राहुल गांधी के इस बयान पर अब राजनीति गर्म है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता दोनों जुड़ गए हैं शो में। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि देश में केरोसिन फैला दिया है बीजेपी ने और बस एक महज चिंगारी की देर है, पूरे देश में आग लग जाएगी, किस नजरिए से देखती है बीजेपी इस बयान को और उन्हें इस मुद्दे पर आप क्यों घेर रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी संभालो, वो देश की बात करें लंदन में बैठ के? देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस के देश के बड़े नेता जब भी देश के बाहर जाते हैं तो अपनी हार का ठेकरा जो है देश पे फोड़ते हैं और इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं और देश को कमजोर करने वाली हर नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी देखा है देश का कोई नेता बाहर जाए तो आज देश ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि देश मजबूत होते हुए आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में आज वाहवाही है। आज देश के बारे में देखिए, इस देश से बिना पूछे कोई बड़ा डिसीजन नहीं हो सकता दुनिया में, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ऐसे मौके पर जब कोई देश का लीडर और खासकर प्रिंसिपल अपोजिशन का वाइस प्रेसिडेंट जाके बात कहता है इस तरह के, तो सिर्फ उसको दो ही तरह से देखा जा सकता है कि हार उनसे सहा नहीं जा रहा है और जब हारने वाला इंसान बेतुकी गलत बात लोगों को गुमराह करने, मिसलीड करने वाले और यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी को मिसलीड करने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देश को कमजोर करने के लिए हर वो काम किया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने हर बार, चाहे कभी भी आप इमरान खान इस्तेमाल करते हैं इनके स्टेटमेंट का यूनाइटेड नेशन में जाके आपने देखा ही होगा, वो हर चीज अभी इनके स्टेटमेंट को पूरी दुनिया के किसी पर जवाब दे लेती हूं मैं कांग्रेस प्रवक्ता का। रोहन गुप्ता, जब एक भारतीय नागरिक देश के बाहर कदम रखता है तो एक नागरिक के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने देश का आम प्रतिनिधित्व करें और अपने देश के बारे में पॉजिटिव बातें बताएं दुनिया को। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं देश को कमजोर करने वाली बातें करते हैं और देश के दुश्मनों के हाथों में एम्युनिशन देते हैं कि आप हमें अटैक कीजिए, ये कमी है हमारे देश में, ऐसा क्यों करते हैं राहुल गांधी? भाजपा के खिलाफ बोले वो देशद्रोही, ये नहीं हो सकता है। आज देश का जो हाल किया है हम सब जानते हैं और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, केरोसिन छिड़कने का काम किया है। मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा कि 2016 से 2020 में जो कम्युनल वायलेंस के केसेस हुए, 3400 से ज्यादा कम्युनल वायलेंस के केस हुए लास्ट 10 साल में, 91% हेट क्राइम मोदी जी की सरकार में हुआ है, ये आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल इस सरकार ने बना के रखा है, भाई भाई को झगड़ाओ पार्टी, ये भाजपा का रूल है, भाई भाई को झगड़ाओ और अपनी जो मुद्दों से ध्यान हटाओ। आज पेट्रोल डीजल के बाद दाम बढ़ गए, भाजपा वाले चुप है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भाजपा वाले चुप है। चीन ब्रिज बना रहा है, दूसरा ब्रिज बनाया, भाजपा वाले चुप है। तो हम तो चुप नहीं रह सकते, हमको देश को बचाना है। वो देश के अंदर की बात हो या देश को बाहर की बात हो, जहाँ देश के ऊपर हमला होगा, उसकी संप्रभुता पे हमला होगा, कांग्रेस पार्टी खड़े रहेगी। तो रोहन गुप्ता साहब, दिक्कत तो यही है ना, देखिए यहाँ पर ऑपोजिशन में बैठे हैं राहुल गांधी, उनके पास भी एक पावरफुल पोजिशन है, एक नाम है, एक चेहरा है, देश में रहकर इन मुद्दों को उठाएं और सरकार से जवाब मांगे, लेकिन देश के बाहर जाकर क्या ये देश की बदनामी करना नहीं हुआ, यह इल्जाम है, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां पे जब देश के बाहर भी जाते हैं, आइडियाज इंडिया ये नाम था, ठीक है, आइडियाज फॉर इंडिया, तो जहां पे हम भविष्य की बात करें, देश को बचाने की बात करें, तो इस प्रकार के जो नफरत का माहौल देश में खड़ा किया है, देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हमको समझना पड़ेगा इन चीजों को। जो नफरत के बीच आज सरकार का काम होता है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका काम होता है कि अपने काम पे वोट मांगे, अपने जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करें। आज भाजपा के लिए तो कोई भी काम है नहीं। आज पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, रोज रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज। अब महंगाई इंडेक्स जो इन्फ्लेशन हम बात कर रहे हैं 30 साल से सबसे ऊपर के स्तर पे है, सरकार क्यों चुप बैठी है? ये भयावह परिस्थिति है। आज सामान्य आदमी के लिए अपना घर चलाना, जिसकी सैलरी 15,000 है, 17,000 है, मुश्किल काम है। 20 तारीख के बाद उसको मालूम नहीं है क्या होगा। उन मुद्दों पर बात करने की जगह पे क्यों भाजपा मजबूर है नफरत फैलाने के लिए? सिटी
जा नहीं रहा। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।